राजधानी लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के हाईटेक पुलिस के आगे जहां अपराधियों ने घुटने टेक दिए हैं और आपराधिक गतिविधियों पर लखनऊ में अंकुश सा लग गया है। इसके बावजूद भी लखनऊ में हाईटेक पुलिस के खौफ से बेखौफ लखनऊ में जगह जगह देह व्यापार का काला कारोबार संचालित होता नजर आ रहा है। वही बात करें लखनऊ की, हाईटेक पुलिस को इस बात की कोई खबर तक नहीं लग पा रही। वही अगर बात की जाए कुछ समय पूर्व की, तो लखनऊ में कुछ समय पूर्व बेबाक बेखौफ आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी उत्तरी प्राची सिंह द्वारा कमान संभालने की कुछ ही दिनों के अंदर इस जिस्म फिरोशी के काले कारोबार पर पूर्णतः नकेल कसने के उद्देश्य से जगह जगह छापेमारी की गई थी एवं कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई, जिसके पूरे लखनऊ में एडिशनल डीसीपी द्वारा प्राची सिंह की बहादुरी के साथ लखनऊ पुलिस की, लखनऊ की जनता द्वारा प्रशंसा कर आभार व्यक्त किया गया था। और सपा संचालकों के अंदर लेडी सिंगम आईपीएस प्राची सिंह का कमिश्नरेट पुलिस का खौफ विद्यमान हो गया था। आपको बता दें लखनऊ में जगह जगह संचालित हो रहा इस्पा की आड़ में देह व्यापार का काला कारोबार बंद हो गया था और संचालकों के लखनऊ छोड़ फरार हो जाने की जानकारी भी सूत्रों के द्वारा प्राप्त होने की खबर लगी थी। परंतु इसी दौरान एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का कारण ईमानदार बेखौफ कर्मठ आईपीएस प्राची सिंह पर लगाया गया, जिससे वह न सिर्फ निर्दोष साबित हुई अपितु सत्य की सदैव जीत होती है, इस बात को एक बार फिर वही साबित किया गया था। परंतु बीते कुछ दिनों के से सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के कोने कोने में देह व्यापार के कारोबार के संचालन होने के मामले सामने आने लगे हैं। अभी हाल ही में ही लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में इस्पा को बंद कराने के उद्देश्य से किसान नेता कमलेश यादव द्वारा लखनऊ पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था और कार्यवाही न होने पर घेराव करने की बात का भी ऐलान किया गया था। तो वहीं लखनऊ के जानकीपुरम के साथ मड़ियाव इंदिरा नगर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर स्थित पुल, तो चारबाग में स्थित पैदल ब्रिज, तो पॉलिटेक्निक चौराहे के पास संचालित हो रहे देह व्यापार के कारोबार की शुरुआत होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो वहीं लखनऊ की जनता फिर एक बार लेडी सिंगम आईपीएस प्राची सिंह के ऑपरेशन या स्पा क्लीन चिट का इंतजार कर रही है।